Hello students, welcome to the today's demonstration video. In today's lecture, we are going to demonstrate the experiment, that is estimation of total proteins in a given solution by Lowry's method. अब Lowry's method में protein का estimation किस तरीके से करते हैं इसके बारे में ये एक demonstration video है. Theoretical video हमने पहले बनाया है, उसमें हमने आपको सभी जो process है उसका principle जो है वो detail में समझाया हुआ है. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिए. सो बायूरेट ये जो Lowry's मेथड है ये एक क्वांटिटेटिव इस्टीमेशन की प्रोसेस है. मतलब इस प्रोसेस में हम प्रोटीन्स का क्वांटिटेटिव इस्टीमेशन करते हैं. मतलब प्रोटीन्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसके जानकारी के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो याद है, क्लियर है सबको. सो इस टेस्ट में दो टेस्ट हमारे पास है. फर्स्ट इज द बायूरेट टेस्ट और सेकंड इज द रिएजेंट टेस्ट. सो बायूरेट टेस्ट में क्या करते हैं, हम अमीनो एसिड जो प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन्स में तो उनको हम बाइंड कराते हैं क्यूप्रस आयन के साथ में. सो क्यूप्रस आयन के साथ में अल्कलाइन कॉपर की बाइंडिंग होती है NH2 के साथ में, और उसके बाद में अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि प्रोवाइड की जाती है हमारे NaOH की वजह से अल्कलाइन कंडीशन वहाँ पे डेवलप होती है. सो अल्कलाइन कंडीशन डेवलप होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है अल्कलाइन कॉपर और अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स, वो जाके FCR को रिएक्ट करता है, और FCR में जो रिएक्शन होने के बाद एक ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है, और इसी ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स की कलर इंटेंसिटी को हम बाद में जाके बाय द मीन्स ऑफ कलोरोमेट्री एट 660 नैनोमीटर हम उसको चेक करते हैं, और उसकी हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी हम निकालते हैं. सो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का, कि अमीनो एसिड में जो एरोमेटिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स में एरोमेटिक अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टायरोसिन हो गया, हमारा ट्रिप्टोफैन हो गया, वो जाके FCR में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोमोलिब्डिक और फॉस्फोटंगस्टिक कंपोनेंट्स को रिड्यूस करता है, और इन दोनों कंपोनेंट्स के रिडक्शन होने के बाद हमको मिलता है एक ब्लू कलर. मतलब हमारे प्रोटीन्स में अगर अमीनो एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो स्पेसिफिक कंपोनेंट का रिडक्शन कम होगा और कम इंटेंसिटी वाला ब्लू कलर हमको मिलेगा. अल्टीमेटली हमारे सैंपल्स में, प्रोटीन सैंपल्स में अमीनो एसिड अगर ज़्यादा होगे, प्रोटीन्स का कंपोजिशन अगर ज़्यादा होगा तो रिडक्शन ज़्यादा होगा, और रिडक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. मतलब हाईली इंटेंस ब्लू कलर हमको मिलेगा, और इसी ब्लू कलर की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं बाय द मीन्स ऑफ कलोरीमेट्री. कलोरीमेट्री की मदद से हम ब्लू कलर की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. एक स्टैंडर्ड ग्राफ हम निकालते हैं, और उसके बाद में उस स्टैंडर्ड ग्राफ से हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे सैंपल्स में कितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे. तो ये एक एस्टिमेशन की प्रोसेस है. एक उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाए. सो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है. सबसे पहले जो भी हमारा एपरेटस है, जैसे कि कोनिकल फ्लास्क हो गए, हमारे बीकर्स हो गए, और टेस्ट ट्यूब हो गए, तो इन सबको हमको अच्छे से लेबल करना है. शुरुआत में हमको वॉश करना है, वॉश करने के बाद हमको अच्छे से लेबल करना है. अब आप जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले आपको पता होगा कि आपको जो भी रिक्वायर्ड केमिकल्स है वो आपको सेपरेट यहाँ पे निकालने होते हैं. जैसे कि उसके बाद पहले जो भी रिक्वायर्ड केमिकल्स है उसको सेपरेट निकाल के रखिए, ताकि आगे जाके आपका कन्फ्यूजन ना हो. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हर एक फ्लास्क को लेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, हमको कंफ्यूज हो सकता है. अगर हम प्रॉपर लेबलिंग नहीं करेंगे तो आगे जाके हमको तकलीफ हो सकती है. इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कोनिकल फ्लास्क है उसको इस तरीके से लेबल्स करते हैं, प्रिंटेड लेबल्स, या फिर हाथ से भी आप लेबलिंग अच्छे से करना होगा. तो उसके बाद में हमको लेबलिंग करने के बाद में टेस्ट ट्यूब्स की लेबलिंग करनी होती है. टेस्ट ट्यूब हमारे पास लगभग 8 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लगेंगी, 8 टेस्ट ट्यूब की लेबलिंग हमको प्रॉपरली करनी होती है. सो इस तरीके से लेबलिंग होने के बाद हमको जो है सॉल्यूशंस बनाने होते हैं. सो देर इज अ, हमको सबसे पहले रिएजेंट हमको कौन से ज़रूरत होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हमको ज़रूरत होती है सॉल्यूशन ए की. सो सॉल्यूशन ए में जो है वो हमारे पास है 2% अनहाइड्रस सोडियम इन 0.1 नॉर्मल NaOH. ठीक है,
2% अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है वो 2% लगेगा और 0.1 नॉर्मल NaOH, यानी कि 0.1 नॉर्मल NaOH हमने अगर 100 ml लिया तो मोटा मोटा हमको यहाँ पे 2 ग्राम 2% यानी कि 2 ग्राम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे हमको ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन ए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बी किस तरीके से बनेगा। सॉल्यूशन बी बनाने के लिए हमको चाहिए होगा कि कॉपर सल्फेट। सो 0.5% कॉपर सल्फेट हम यहाँ पे लेंगे। 0.5% कॉपर सल्फेट लेने के बाद 0.5% इन 1% सोडियम पोटेशियम टार्टरेट में हमको ऐड करना होगा। तो इसका भी कैलकुलेशन हमको करना होगा। सो इस तरीके से हमारे पास बना है सॉल्यूशन बी। सो उसके बाद में हमको लगेगा सॉल्यूशन सी की रिक्वायरमेंट। सो सॉल्यूशन सी बनाने के लिए हमको चाहिए होगा अल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन। जो भी हमने सॉल्यूशन ए बनाया है 50 ml हमको वो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें हमको सॉल्यूशन बी 1 ml हमको ऐड करना है। सो ये जो सॉल्यूशन सी है वो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करेंगे जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो अब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन सी बना लेते हैं। सॉल्यूशन सी बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा 50 ml सॉल्यूशन ए, जिसमें हमने 2% अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऐड किया है और NaOH साथ में ऐड किया है। सो ये क्या देगा, ये देगा रिएक्शन होने के लिए अल्कलाइन कंडीशन हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो 50 ml सॉल्यूशन ये जो हमने मेजर करके रखा है उसको हम ऐड करते हैं इस कोनिकल फ्लास्क में, सेपरेट कोनिकल फ्लास्क में, और माइक्रोपिपेट की मदद से प्रॉपर वॉल्यूम आने के लिए हम माइक्रोपिपेट यहाँ पे 1 ml वाली माइक्रोपिपेट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज द 1 ml माइक्रोपिपेट। सो 1 ml माइक्रोपिपेट से हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन बी यहाँ पे ऐड करते हैं। सॉल्यूशन बी हम ऐड करेंगे 50 ml सॉल्यूशन ए में। सो वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्यूशन बी इन अ सॉल्यूशन ए। सो दिस इज द 1 ml सॉल्यूशन ए एडिंग इन द सॉल्यूशन सी। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर। सो दिस इज द सॉल्यूशन सी, एंड आफ्टर द एडिशन प्लीज शेक वेल। अच्छे से हमको इसको मिलाना है। सो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सी। सॉल्यूशन सी ने हमको क्या किया, अल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हुआ। मतलब सॉल्यूशन सी में क्या है, हमारी अल्कलाइन कंडीशन है जो कि शुरुआत में अल्कलाइन कॉपर, कॉपर का रिएक्शन होगा अमीनो ग्रुप से, और एक अमीनो और अल्कलाइन कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। सो उसके बाद में हमको तीसरे रिएजेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारा, दैट इज FCR रिएजेंट, फॉलिन सीओकैल्टिव रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं। सो FCR रिएजेंट बनाने के लिए हमको जो कमर्शियली FCR अवेलेबल होता है, जो FCR फॉलिन सीओकैल्टिव कमर्शियली अवेलेबल होता है, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर में हमको ऐड करना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमको लगभग ज़रूरत होगी 8 ml ऑफ FCR की, तो हमने 4 ml ऑफ FCR ऐड किया है। 4 ml FCR रिएजेंट इक्वल वॉल्यूम में डिस्टिल वाटर में हमने उसको ऐड किया है, और इस तरीके से हमने FCR का रिएजेंट प्रिपेयर किया है। सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स। और उसके बाद में हमको स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है। सो सबसे पहले हमको एक स्टॉक प्रोटीन सॉल्यूशन बनाना होता है। तो स्टॉक प्रोटीन सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम 100 mg ऑफ बोवाइन सीरम अल्ब्यूमिन ऐड करते हैं और 100 ml वाटर में हमको उसको डिजोल्व करते हैं। सो उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहा, सो अभी आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आप सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब किस तरीके से डेवलप करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल्स आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, वहां पे आपको देखा जाएगा कि किस टेस्ट ट्यूब में कितने अमाउंट में आपको आपके स्टैंडर्ड प्रोटीन और सैंपल प्रोटीन के साथ साथ डिस्टिल वाटर ऐड करना है, उसके साथ साथ सॉल्यूशन सी आपको यहाँ पे ऐड करना है। और ये सब ऐड करने के बाद आपको इंक्यूबेट करना है इन सबको 15 मिनट के लिए। उसके बाद 0.5 ml इन ईच टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे FCR रिएजेंट, और उसके बाद में उसका ऑप्टिकल डेंसिटी हमको चेक करना होता है बाय द मीन्स ऑफ कैलोरीमीटर। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन सबका एडिशन करना है। सो हमारे पास याद है माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट में हम सबसे पहले माइक्रोपिपेट को वॉश कर लेते हैं बाय द मीन्स ऑफ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर की मदद से हम माइक्रोपिपेट को वॉश करते हैं। सो इस तरीके से सबसे पहले आपको इस माइक्रोपिपेट को प्रॉपरली वॉश करना है।
उसके बाद में देखते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक टेस्ट ट्यूब है। तो इस ब्लैंक टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है कि इसमें हमको किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी प्रोटीन सॉल्यूशन ऐड करना नहीं है। ये हम कैलोरीमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें हम किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर प्रोटीन सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं ऐड करने वाले। इसमें सिंपली हमको 1 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है। सो हमने माइक्रो पिपेट पे 1 ml सेट कर लिया है। माइक्रो पिपेट से हम पिपेट आउट करेंगे 1 ml डिस्टिल वाटर, और 1 ml डिस्टिल वाटर इसमें हम ऐड करेंगे। सो इस पिपेट में 1 ml डिस्टिल वाटर हमने ऐड किया, और उसके बाद में हमको कहा है कि सॉल्यूशन सी 5 ml यहाँ पे ऐड करना है। सो 5 ml सॉल्यूशन सी ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारी अभी टेस्ट ट्यूब जो है वो डिस्टिल वाटर से हमने यूज किया है। सो हम पहले डिस्टिल वाटर की सीरीज सभी टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करते जाते हैं, एक एक करके सभी टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर की सीरीज हम ऐड करते जाएंगे। सो यहाँ पे सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कहा है कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको ऐड करना है 0.80 ml डिस्टिल वाटर। स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आपको कि 0.80 ml डिस्टिल वाटर, 0.80 ml डिस्टिल वाटर यहाँ पे सेट करते हैं। सो 0.80 ml डिस्टिल वाटर यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। सो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लेबलिंग करने का यही फायदा होता है आपको कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से टेस्ट में आपने क्या डाला है। उसके बाद में हमने कहा है कि थर्ड टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है हमको 0.60 ml डिस्टिल वाटर। सो ये सिंपल सी छोटी सी ट्रिक होती है कि आपको एक्सपेरिमेंट करते समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम पहले डिस्टिल वाटर का एडिशन करेंगे, उसके बाद में सैंपल वर्किंग सॉल्यूशन का ऐड करेंगे। ओके, सो दिस इज दी थ्री टेस्ट ट्यूब। डेमो में आपको तीन टेस्ट ट्यूब हम दिखाएंगे। तो उसके बाद में हमको कहा है कि BSA वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करना है पहले टेस्ट ट्यूब में 0 ml। तो पहले टेस्ट ट्यूब में 0 ml यानी कि ब्लैंक, इसमें कोई भी तरीके का BSA हमको ऐड नहीं करना है, यानी कि बोवाइन सीरम एल्बुमिन वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हमको ब्लैंक टेस्ट ट्यूब में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ब्लैंक टेस्ट ट्यूब है, हमको यहाँ ब्लैंक रीडिंग आने वाली है। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में, दैट इज टेस्ट ट्यूब नंबर फर्स्ट, 0.20 ml वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो माइक्रो पिपेट में हम 0.20 ml सेट करते हैं। 0.20 ml सेट करने के बाद जो भी हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जो हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया था, जिसको लेबल करके हमने रखा था, उस वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम ईच टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे 0.20 ml इन टेस्ट ट्यूब नंबर फर्स्ट। सो दिस इज 0.20 ml इन टेस्ट ट्यूब नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पे हमने ऐड किया है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब नंबर सेकंड में हमको ऐड करना है 0.40 ml। सो वी आर एडिंग 0.40 ml वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब नंबर सेकंड। सो इस तरीके से आपको जो भी सीरीज ऑब्जर्वेशन टेबल में दिखाई गई है, उस सीरीज के हिसाब से आपको केमिकल्स की एडिशन करते जाना है। सो BSA और डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद इन सब में हमको 5 ml सॉल्यूशन सी ऐड करना है। सो सॉल्यूशन सी ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट को हमारी अच्छे से वॉश करते हैं बाय द मिक्स ऑफ डिस्टिल वाटर। उसके बाद हम हर एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे हमारा सॉल्यूशन सी, जो भी हमने सॉल्यूशन सी बनाया है वो ऐड करेंगे इन ईच टेस्ट ट्यूब। सो वी हैव टू ऐड सॉल्यूशन सी इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब इक्वली, दैट इज 5 ml सॉल्यूशन सी ईच टेस्ट ट्यूब में डाला है। सो सॉल्यूशन सी में क्या था, बेसिकली सॉल्यूशन सी में अल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन हमने बनाया था, जिसमें कॉपर था और अल्कलाइन सॉल्यूशन थी हमारे पास, जो कि आगे जाके FCR को रिएक्शन करने के लिए हेल्पफुल होगी। सो दिस इज वी आर एडिंग दी सॉल्यूशन सी इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो ब्लैंक में भी डालना है।
तो इस तरीके से हमने ऐड किया है हमारे तीनों भी केमिकल्स BSA, डिस्टिल वाटर और सॉल्यूशन C। उसके बाद में हम इन सारे टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से ग्रेडेशन बनाएंगे और ये होने के बाद हमको इनको इंक्यूबेट करना है 15 मिनट के लिए। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब इस तरीके से बनाए स्टैंडर्ड के, उसी तरीके से लास्ट में दो सैंपल्स के टेस्ट ट्यूब हमको प्रिपेयर करना है। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म। और उसके बाद में हमको ऐड करना है 0.5 ml ऑफ FCR इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये हम पहले इसको इंक्यूबेट करते हैं 15 मिनट के लिए, तब तक हम सभी टेस्ट ट्यूब का ग्रेडेशन बनाते हैं और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें FCR ऐड करने के बाद हमको फिर से 30 मिनट के लिए हम इसको इंक्यूबेट करना है एट रूम टेम्परेचर। अब इंक्यूबेट करना है इसका मतलब इसको किसी भी तरीके के इंक्यूबेटर में लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको हमको इसी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रखना है 15 मिनट के लिए। ओके, इस तरीके से सभी टेस्ट ट्यूब में जो गिवन ग्रेडेशन आई वो ग्रेडेशन ऐड किया, ठीक है। हमने ऐड किया इसमें BSA, डिस्टिल वाटर और साथ में अल्कलाइन कॉपर का सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन C। तो अब हम ऐड करने वाले हैं और इसको इन टेस्ट ट्यूब को सभी टेस्ट ट्यूब बनाने के बाद हमने इनको इंक्यूबेट किया है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में 15 मिनट के लिए हमने इन सबको इंक्यूबेट किया है और उसके बाद में हमको इसमें ऐड करना है 0.5 ml FCR solution, that is falling CO2 reagent. That reagent will ultimately give us blue color after the incubation at 30 minutes. So we have prepared the FCR. FCR is prepared by the commercially available FCR, that is diluted with equal amount of distilled water. So we have to add 0.5 ml of FCR in each of the test tube for the reaction. So we are going to add the FCR. FCR हम add करने वाले हैं हर एक test tube में. So this is the blank test tube. Test tube number 0.5 ml हम FCR हर एक test tube में add करेंगे इस तरीके से. तो हमको blue color की color intensity दिखाई गई. This is done. So, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे different blue color के gradation दिखाई। So ये है हमारा blank जो कि simply transparent है और उसके बाद में जो है वो blue color dark होते जा रहा है और उसके बाद में हमारा है sample first and sample second कि जिसमें हमने हमारा sample proteins add किया था। So यहाँ पे दिखा देख रहा होगा कि आपको ब्लू कलर की इंटेंसिटी हाई होती जा रही है और सैंपल फर्स्ट और सैंपल सेकंड में ब्लू कलर की इंटेंसिटी जो है वो वैरी है, मतलब इन दोनों का हमको प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और ये जो 6 टेस्ट ट्यूब है वो हम स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इस तरीके के ब्लू कलर इंटेंसिटी को अब इस ब्लू कलर इंटेंसिटी को हमको दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव टू इंक्यूबेट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए इन सभी टेस्ट ट्यूब को हमको इंक्यूबेट करना है और 30 मिनट बाद हम फिर से मिलते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसका कैलोरीमेट्री से हम इसका ओडी निकालेंगे वो किस तरीके से निकालते हैं और उसके बाद में ग्राफ किस तरीके से डेवलप करते हैं उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हमने जो हमारे टेस्ट ट्यूब की सीरीज बनाई थी तो उसमें हमने FCR ऐड करने के बाद शुरुआत में हमने अल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन ऐड किया और उसकी रिएक्शन करवाई और उसके बाद में हमने FCR ऐड किया। FCR में ऐड करने के बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रखा था। अब 30 मिनट बाद हमको क्या करना है, इन सभी टेस्ट ट्यूब का हमको ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट करना है, दैट इज ओडी। ओडी हमको कैलकुलेट करना है यानी कि एब्जॉर्बेंस हमको कैलकुलेट कराना है, मतलब जितने समझो ये हमारा ब्लैंक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमको कोई भी कलरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर 4 है, टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में डार्क कलर दिखाई,
डार्क कलर है यानी कि इसमें प्रोटीन्स के पार्टिकल ज्यादा है, प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड की पार्टिकल ज्यादा है, यानी कि वो अमीनो एसिड क्या करेंगे, अब लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्बेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वो आगे आगे डार्क होते जा रहा है और सैंपल्स में अननोन सैंपल्स हमारे पास है और इसका ओडी अलग आएगा और यहाँ पे जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ओडी उसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा होते रहेगा, ये प्रोग्रेसिव हमको यहाँ पे दिखाई देगा तो ग्राफ हमारा प्रोग्रेसिव बनेगा। तो चलिए अब हम कलोरीमीटर की तरफ जाते हैं और कलोरीमीटर से इसका ओडी हम कैलकुलेट कराते हैं। FCR में इंक्यूबेशन करने के बाद 30 मिनट बाद हमको टेस्ट ट्यूब में कुछ इस तरीके से कलर्स दिखाई देंगे। इसी कलर को हमको बाय मीन्स ऑफ कलोरीमेट्री हमको एनालाइज करना है और इसका ओडी हमको कैलकुलेट कराना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमारी कलोरीमीटर की क्यूवेट है उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है और क्लीन करना है ताकि उसमें किसी भी तरीके का और पार्टिकल ना रहे। इस तरीके से हम उसको क्लीन करेंगे इससे वाटर की मदद से, और उसको हम अच्छी तरीके से ब्लॉटिंग पेपर की मदद से उसको हम रब करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो ब्लाइंड टेस्ट ट्यूब है उसकी मदद से जो भी कलोरीमीटर है उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, यानी कि रीडिंग सेट करेंगे हम 0 के ऊपर, क्योंकि ब्लाइंड में हमने किसी भी तरीके का प्रोटीन सैंपल से यहाँ पे नहीं डाला। वी आर गोइंग टू ऐड ब्लाइंड सॉल्यूशन। सो लेट्स सी, हियर वी हैव अ कलोरीमीटर एंड वी सेट द फिल्टर दैट इज रेंज इन 660 नैनोमीटर, दैट इज 67 एक अप्रोक्सीमेट रेंज आता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे -0.03 दिखा रहा है तो एब्जॉर्बेंस पे हमको क्लिक करना है क्योंकि हमको एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट यहाँ पे करना है। एब्जॉर्बेंस हमने सिलेक्ट किया, एब्जॉर्बेंस सिलेक्ट करने के बाद ब्लैंक जैसे ही हमने सॉल्यूशन ऐड किया तो हमको करना है ऑटो जीरो, यानी कि हमको कलोरीमीटर को बताना है कि इस क्यूएट में हमारा ब्लैंक सॉल्यूशन है और इसमें हमने किसी भी तरीके का हमारा जो सैंपल प्रोटीन है वो ऐड नहीं किया। उसके बाद में जीरो सेट करने के बाद में ब्लैंक का रीडिंग जो है वो 0 आएगा, 0 हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद में हमको इसी क्यूएट को टेस्ट ट्यूब 1 में जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर था उसको ऐड करना है और जो भी एक्सेस सॉल्यूशन बाहर लगाया हुआ है या फिर जो भी डस्ट वगैरह है उसको हमको ब्लॉटिंग पेपर की मदद से क्लीन करना है और उसके बाद हमको इस सैंपल को टेस्ट करना है और उसका एब्जॉर्बेंस हमको कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्बेंस देखिए यहाँ पे 0.15 ऐसे एब्जॉर्बेंस आया, तो इसको नोट डाउन करते हैं। फॉर द टेस्ट ट्यूब नंबर फर्स्ट वी हैव अ कॉन्सेंट्रेशन 40 माइक्रोग्राम पर ml, सो एब्जॉर्बेंस इज 0.15। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट ट्यूब सेकंड एंड आफ्टर दैट इसी तरीके से हमको सारे टेस्ट ट्यूब्स का ओडी एब्जॉर्बेंस ये कैलकुलेट करना है। OD is ultimately the measure of absorbance. Absorbance measure करने का है। So this is test tube number second. Again, wipe out the excess. And note down the absorbance. Let it be for some time. So absorbance is point. So here the absorbance is 0.30 and note it down. For test tube number second, our absorbance is 0.30 at 80 microgram per ml protein concentration. So, इस तरीके से हमको सभी टेस्ट ट्यूब्स की ओडी ये कैलकुलेट करना है। अब हम ओडी कैलकुलेट करते हैं और आपको मिलते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब्स का जो हमने ओडी कैलकुलेट किया था और ग्राफ्स जो हमने कैलकुलेट ओडी के हिसाब से स्टैंडर्ड ग्राफ कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम सभी टेस्ट ट्यूब का ओडी निकालते हैं और आपको मिलते हैं ग्राफ कैसे कैलकुलेट करना है उसके अगले वीडियो में।